आपके यहाँ तो हिलाए नहीं तो ऐसे बैठा हुआ तुरंत। साथियों आज ऋषिकेश विधानसभा में भी सांप पकड़ने का मौका मिल गया। वैसे तो लोग कई बार पहले भी लेके जा चुके हैं परंतु इस बार फिर आना पड़ा। श्यामपुर लकड़घाट चोपड़ा फार्म पर बता रहे हैं कोई सांप आकर बैठ गया। पहुंच ही गए हैं वहां पर उन गतियों में लकड़घाट चोपड़ा फार्म की गति में। दुईवाला से करीब 25 किलोमीटर दूर और ऋषिकेश से 7-8 किलोमीटर दूर ऋषिकेश विधानसभा में आना पड़ा। बड़े परेशान थे, मेरे नंबर गूगल से सर्च किया उसका भी हम आ गए। कोशिश करेंगे उस सांप को पकड़कर उसके प्राकृतिक पास में छोड़ने की। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾ आपके यहाँ तो हिलाए नहीं तो ऐसे बैठा हुआ तुरंत। एकदम समा रहा हूँ उधर की शेख आ रही है। ये कोना कोना है ये पता नहीं ना सब खींच दे सब खींच इधर खींच इधर भी है। मैं वीडियो बना रहा जी।
साथियों, ऋषिकेश विधानसभा श्यामपुर में भी सांप पकड़ने का मौका मिल गया। ये जेठुड़ी है कोई, इसको पकड़ लिया गया। एक आइडिया था हमारे पास इसको बाहर निकालने का, ये देखिए काफी गुस्से में है। और इसको भी थोड़ा हम धोएंगे। जहाँ पर हम खड़े हैं, और हमने फोन करा था पीले भाई को जो डोवाले से आए और उन्होंने सांप को पकड़ा, उसके लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी सांप हमने श्यामपुर चोपड़ा फार्म से पकड़ा, लक्कड़ घाट के पास से। ये बिल में घुस गया था, बड़ी मुश्किल से इसको निकाला। अब इसके नहीं छोड़ दो, सारा जंगल है ये, इतना यहाँ चला जाएगा। सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, इसकी सूचना 108 को दें, परिवार को दें, हमें दें। ये हमें सांप पकड़ने कम से कम मेरे ख्याल से 30-35 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। हमारा नंबर उनके द्वारा गूगल से निकाला गया था, अब सूचना मिली, हमें कहा गया आप जल्दी आए। हमने भाई हम वन कर्मचारी नहीं है, परंतु आपके पास ज़रूर पहुँचेंगे। कोशिश की, सांप निकल गया, उसको पकड़ के उसके प्राकृतिक छोड़ देगा। इस समय बरसात और गर्मी बराबर हो रही है, आपसे निवेदन है कि यदि आपको कहीं सांप दिखाई दे सबसे पहले उस पर ध्यान रखें, उसके बाद आप वन कर्मचारियों को 108 को या जो भी ऐसा लगता है कि आपको मदद कर सकता है, आप सांप को पकड़वाएं, मारें नहीं उसको, नहीं किसी को मारने दें। धन्यवाद।